बिना कटिंग सिर्फ दो उंगलियों से। जी हाँ, सिर्फ दो उंगलियाँ यूज़ होंगी और आप बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सी चीज़। तो अगर आपके पास ये बहुत पुरानी साड़ियाँ हैं जैसे कि ये, तो ये वाली जो साड़ी है ना बहुत पुरानी है और इससे मैं बनाऊंगी बहुत ही खूबसूरत सी चीज़। तो साड़ी हो, दुपट्टा हो, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी ख़राब कंडीशन में हो, मतलब एकदम बेकार है, फट गई, तो भी आप उन सबको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले साड़ी में बॉर्डर लेस जो भी है उन सबको हटा लीजिए, अगर उनमें पैचेस भी हैं तो उनको भी निकाल लीजिए, क्योंकि आप इनको आगे भी कई जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले साड़ियों में इस तरह से आपको पट्टियाँ कट करके निकालनी है, और ये कटिंग नहीं कर रही जाती है, सिर्फ पल्ले को फोल्ड करके उसमें आप हल्का सा कट लगाएं, उसके बाद खींच लें तो एक बराबर ये लंबी लंबी पट्टियाँ पूरी निकल आती हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाया है तो मुझे लगा इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो बस देखिए, ये सारी पट्टियाँ हो गई, अब हमको कुछ भी नहीं करना। साड़ी पे जो कलर है ना, ये शेडेड है और शाइन करता हुआ है, इससे ये कलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको और कंट्रास्ट करने के लिए यूज़ करूँगी एक दुपट्टा, वो भी पुराना है, फटा हुआ है, तो उसको भी सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब दोनों कलर्स की पट्टियों को लीजिए और आपस में ज्वाइन कर लीजिए, और आप इसमें धागे से रोल कर लीजिए या फिर टाँके लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सिक्योर कर ले रही हूँ सुई धागे से। इसके बाद एक कपड़े को खींच लीजिए, तो देखिए नॉट अंदर की ओर चली जाएगी और कपड़ा भी सीधा हो जाएगा। ये देखिए नॉट अंदर चली गई, ठीक है। ये देखिए हमने ऐसे इसको फोल्ड करा था और कपड़े को एक तरफ से खींचेंगे तो ऐसे नॉट अंदर चली जाएगी। अब सिर्फ आपको दो उंगलियाँ यूज़ करनी है, हाँ, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ दो उंगलियों की हेल्प से ये पूरा, ये अपने आप पूरा एक रस्सी जैसी आपकी बन जाएगी। इस तरीके से फोल्ड करते जाइए और देखिए कहीं से भी झोल भी नहीं आएगा और ना ही कपड़ा मुड़ेगा। ये देखिए, तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे सिर्फ घुमाते चले जाएंगे तो आगे जा कर के ये मुड़ जाता है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से शुरुआत करी तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, और जब आप स्टिच करेंगे तो बहुत ही आसानी से अपने आप फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए कपड़े को बस ऐसे घुमाना है, ये ऐसे, ये देखिए कितना प्यारा रोब बन जाएगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से बनाइए, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप कहीं पे भी कोई भारी चीज़ इसके नीचे दबा दीजिए ताकि आप आराम से बना सकें, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो जाएगी साड़ी से बना रहे हैं हम। तो आप किसी एक जगह पे आप मशीन के नीचे रख लीजिए, टेबल के नीचे इसको रख लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे ही फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए मैंने पूरी साड़ियों से इस तरीके से बना लिया, और ये बहुत आसानी से बन जाती है, देखने में बहुत सुंदर। और अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ ना, तो आप लाइट डार्क रखिए, बहुत प्यारा लगेगा। अब आपको करना क्या है, रस्सी तो हमने बना ली, ठीक है, अब आपको इस तरीके से बस इसको घुमाते हुए फोल्ड करना है। आप सुई धागा ले लीजिए, छोटा बड़ा कैसा भी हो सब चलेगा, बस आपको इसको ज्वाइन करना है। तो देखिए कितनी आसान से ये घूमती चली जा रही है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सबसे पहले बीच में इसे हम अच्छे से टक कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये मजबूत हो जाए। फिर एक राउंड लगाएंगे और फिर इसको सिल लेंगे, फिर सेकंड राउंड, फिर इसको टक कर लेंगे। इसी तरीके से हम पूरे सर्कल को इसको अच्छे से सिल लेंगे। धागा आप डबल कर लीजिए, सुई धागा छोटा हो बड़ा हो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस आपको इसको अच्छे से टक करना है। तो ये देखिए इसी तरीके से इसको घुमाते जाएंगे, और ऐसे ही आपको जितना बड़ा सर्कल चाहिए उतना आप बड़ा इसको बना लीजिए। तो ये देखिए सेंटर पीस रेडी है, और ये काफ़ी बड़ा सर्कल है तो इसको मैं रखूँगी सेंटर पे। अब इसी तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन और चेंज कर देते हैं, छोटे छोटे सर्कल बना लेंगे और उसको हम साइड में अटैच कर लेंगे, तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन करके रेडी हो जाएगा। आप छोटे बड़े इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर दोनों कलर को अलग अलग करके भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस को रेडी कर लिया है, सेम वही पैटर्न है, बस इनको थोड़ा सा छोटा रखा है और इनको अब हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने का तरीका वो भी बहुत आसान है, ये देखिए मैंने सबको लगा दिया, अभी कुछ भी टक नहीं है, सिर्फ सेंटर वाली पीस को रेडी करा है, बाकी साइड साइड में सबको रेडी करा है। अब इनको टक कैसे करेंगे, ये देखिए सेंटर में बड़े वाले पीस से अटैच कर लीजिए सबको, उसके बाद साइड साइड में सबको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ टक होना है और कुछ भी नहीं करना है।
ये देखिए साइड में आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है, इसी तरीके से सबको ज्वाइन करना है आपस में, और उसके बाद बीच में आपस में टक कर लीजिए तो अच्छे से पूरा सेट हो जाएगा और बहुत ही प्यारा सा पीस रेडी हो जाएगा। अभी मैंने इसको ज्वाइन नहीं करा, फिर मैं ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि स्लिप हो जाएगा तो आप सेंटर में पीछे की तरफ फैब्रिक भी लगा सकते हैं, वैसे ये दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए एकदम परफेक्ट बना है। और हाँ, इस डोरमैट को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए आप बीच में, जैसे कि इन दोनों जो पीसेस के जॉइंट में, आप छोटा पीस बना करके भी रख सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा, एकदम डिज़ाइनर रख आपका रेडी हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे दो कलर यूज़ हुए हैं, आप इससे भी लाइट को येलो लगा लीजिए, बहुत प्यारा लगेगा, ग्रीन लगा लीजिए खिलता हुआ, बहुत प्यारा लगेगा। तो कलर कॉम्बिनेशन का सारा खेल है, जब आप बनाएंगे ना आपको खुद ही पता चलेगा कितना बढ़िया बनता है। तो देखिए मैंने इसको पूरा रेडी कर लिया, बहुत प्यारा है, डबल साइड आप यूज़ कर सकते हो, फ्रंट बैक दोनों साइड से यूज़ करिए, देखने में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर रख रेडी है। आप इसको लंबा बनाइए, अलग अलग शेप में बनाइए, मैंने तो सर्कल ही सिर्फ करा है, लेकिन आप इसको लंबा रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, किसी भी शेप में इस तरीके से बना सकते हैं। तो बेकार पुरानी साड़ियों को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी खर्च नहीं लगता, ना तो मशीन का झंझट है और ना ही सिलाई का टेंशन, सबसे बेस्ट है, एक भी रुपए खर्च नहीं होता। इससे आप डोरमेट ही नहीं, इससे आप कारपेट, रग्स, बेडशीट इसी पैटर्न से सब कुछ बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है ये, मैंने तो इसे डोरमेट बनाया है। आप बड़े बड़े पैटर्न बना करके आप बहुत कुछ बना सकते हैं। तो इस ठंड को इंजॉय भी करिए, अपने घर की जरूरतों की चीज़ भी बनाइए, और धूप में बैठिए आराम से बातें करते हुए इसको बनाइए, बहुत ही जल्दी कुछ ही मिनटों में ये बन जाता है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से करिए, ताकि इसी तरह के अच्छे और यूजफुल वीडियोस आपके पास आते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।